जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज 24 मई है और 24 मई का ग्रेट फंक्शन कर रहे हैं और ये कल होकर अपलोड होगी वीडियो। थोड़ा बहुत शेड्यूल्ड इधर से उधर हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हर एक चीज़ मैं आपको बारीकी से देने का प्रयास करूंगा यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा। मतलब कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने से लेकर के सही प्रोसेस करने बहुत ही ज़्यादा असुविधा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यूट्यूब मेरा थर्ड फोर्थ या पांचवा सोर्स हो सकता है ये सब चीज़ करने का, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँ। बस ऐसे ही डाल देता हूँ, बाकी पेड टेलीग्राम ग्रुप पर जो लोग जुड़े हैं उसके लिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट जाती है, ठीक है, तो वहाँ जरूर जुड़े। जो लोग स्पिरेंट है वो जुड़े हैं यहाँ पे, यूट्यूब के भरोसे ना रहे, बाकी यूट्यूब पे जो भरोसा किए हुए हैं वो लोग भी अपना उम्मीद कायम रखें, क्योंकि उम्मीद कायम रखिएगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपना भी कुछ देखना होता है। देखिए, नेशनल अकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग की शुरुआत की गई है, इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है, गुजरात के देवभूमि में। कहाँ पर? गुजरात के देवभूमि में नेशनल अकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के देवभूमि में नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग की का उद्घाटन किया है। यहाँ पे पुलिस तत्क्षण बलों की जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा लोगों को, ठीक है। एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग। यहाँ पे क्या दिया जाएगा? यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, एसएसबी, बीएसएफ, ये सब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग। अमित शाह इस सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही बताए थे कि भारत के आंतरिक सुरक्षा, अगर जिस देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होगी उसी देश का विकास भी संभव है ना। आंतरिक सुरक्षा होना जरूरी है, क्योंकि 2008 में मुंबई हमला जो हुआ था, 26/11 का हमला के नाम से जिस हम लोग जानते हैं, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था और उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया था कि आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने में। उसको लेकर के इन्होंने क्या किया है, नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना गुजरात में की है। कहाँ पर? गुजरात है, गुजरात की एक देवभूमि है यहाँ पर। चलिए आगे, और किसने किया है? अमित शाह। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री। उसका कह रहा है महात्मा गांधी छात्रवृत्ति योजना श्रीलंका के 300 छात्रों को दिया गया है। महात्मा गांधी जी के नाम पर श्रीलंका में 300 ऐसे छात्र हैं पूरे श्रीलंका भर के, जिसको महात्मा गांधी छात्रवृत्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रीलंका की बात आई तो श्रीलंका की राजधानी जानना जरूरी है। श्रीलंका की दो राजधानी पता है, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनमपुरे। एक है आदि कोलंबो जो है वो वाणिज्यिक राजधानी है और श्री वर्धनमपुरे कोटे जो है वो प्रशासनिक राजधानी है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वाणिज्यिक मतलब व्यापार उपार के मामले में सबसे ज़्यादा, अगर इंडस्ट्रियल मामले में अगर किया जाए तो कौन है? कोलंबो। और प्रशासन के मामले में जैसे कि दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, और भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता था किसको, या कहा भी जाता है मुंबई को, क्योंकि वहाँ पैसा और वहाँ पे कंपनियाँ बहुत सारी जो भी इंटरनेशनल कंपनियाँ आती थी, बल्कि मुंबई में आती थी। इस तरीके से वहाँ दो राजधानी है ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सके, वहाँ की शासन व्यवस्था को काफ़ी अच्छे तरीके से संचालित किया जा सके श्रीलंका की, ठीक है। इसलिए वहाँ दो राजधानी है, उस श्रीलंका की दो राजधानी है, एक कोलंबो और श्री जयवर्धनमपुरे कोटे। चलो, तीसरा है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है विश्व स्वास्थ्य सभा का 76वां सत्र। क्या? विश्व स्वास्थ्य सभा का 76वां सत्र जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा पता है, और जिनेवा में ही विश्व स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है, ठीक है, और यहीं पर जिनेवा में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और यहीं पर विश्व स्वास्थ्य सभा का 76वां सत्र का आयोजन किया गया था, जिससे प्रधानमंत्री ने इस सभा की को संबोधित किया। किसने? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सभा को संबोधित किया। विश्व के किसी भी देश में, विश्व की कहीं भी कोई भी सभा होता है, कोई भी किसी भी संगठन का बैठक सम्मेलन होता है, कोई भी शिखर सम्मेलन होता है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र न हो, भारत के प्रधानमंत्री चाहे वो वर्चुअली रूप से ही कनेक्टेड हो, लेकिन होना जरूरी होता है, होते ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे और वो सम्मेलन, वो सभा संपन्न हो जाए। तो इस तरीके से भारत अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप को प्रगाढ़ और मजबूत कर सकता है, ठीक है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जरूरत है भारत के लिए।
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76th सेशन जनेवा में किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से क्या किया, संबोधित किया है। अगला है एमजी, मतलब महात्मा गांधी की प्रतिमा का हिरोशिमा में अनावरण किया गया। एमजी महात्मा गांधी जी के का एक मूर्ति बनाया गया है प्रतिमा, और उसका अनावरण हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया है। जैसा कि आपको पता है कि हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में पहला ऐसा एटम बम गिराया गया, पता है। और उसी हिरोशिमा में हाल फिलहाल में 19 से लेकर के 21 जून के बीच में G7 मतलब ग्रुप्स ऑफ 7 सात देशों का जो समूह है उसका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ, जापान के हिरोशिमा में। और उसी सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए गए हुए थे। और उसी बीच में उन्होंने हिरोशिमा में क्या किए हैं, एक महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। आगे चलते हैं, शैली सिंह जो भारतीय एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, दौड़ती हैं, भारतीय एथलीट शैली सिंह ने जापान में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में कांस्य पदक जीती है। कांस्य पदक जानते हो, तीसरा स्थान लाई है और कांस्य पदक जीती है। कौन, शैली सिंह, भारतीय एथलीट है। जापान में चल रहा था, मतलब कि महिलाओं की सबसे लंबी कूद प्रतियोगिता जो होती है, लंबी कूद प्रतियोगिता, उसमें थर्ड रैंक लाई है, कौन, शैली सिंह, और कांस्य पदक जीत करके लाई है। कहाँ हुई है ये, जापान में हुई है, गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में लंबी कूद में, महिलाओं की सबसे लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला शैली सिंह है। कौन है, शैली सिंह, और भारत के लिए कांस्य पदक जीत करके लाई है। अगला, इटालियन ओपन में क्ले कोर्ट का पहला खिताब जीता है डेनिल मेदवेदेव। देखो टेनिस, टेनिस के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, टेनिस के डेनिल मेदवेदेव रूस के हैं, कहाँ के हैं, रूस के, डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव का संबंध कहाँ से है, रूस से। किस खेल से संबंधित है डेनिल मेदवेदेव, टेनिस से। और इन्होंने हाल फिलहाल इटालियन ओपन में क्ले कोर्ट का पहला खिताब जीतने वाला कौन है, डेनिल मेदवेदेव। आगे चलते हैं, बस एक बार इस पर नजर दोहराना है, बाकी कुछ नहीं। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, निकाय जैसे कि सीतामढ़ी नगर निगम है ना, वैसे चंडीगढ़ भी क्या है, एक नगर निगम है, क्या है, स्थानीय निकाय है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का जो खिताब जीता है 2022 का खिताब वो चंडीगढ़ को मिला है, किसको, चंडीगढ़ को, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय। और हर साल, ठीक है, हर साल इस चुनाव एक खिताब दिया जाता है, और इसमें इस बार चंडीगढ़ को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत दिया, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अंतर्गत क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के लिए चंडीगढ़ को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को, किसको, सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें ऐसे शहर को, ऐसे नगर निगम को और ऐसे राज्य को चुना जाता है जो, ठीक है, क्या करता है, जल को बचाने का काम करता है, फ्यूचर में जल को लेकर के चिंतित रहता है, जल को संचय करने का काम, जल का सही तरीके से यूज करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ में जो अग्रणी शहर होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ को, और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है, मांगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल। आगे चलते हैं, ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, क्या है, ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जेफ बेजोस की, जानते होंगे जेफ बेजोस को, जेफ बेजोस की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, क्या नाम है उसका, ब्लू ओरिजिन। इस कंपनी को नासा ने क्या किया है, $3.4 बिलियन देकर के एक काम सौंपा है, चंद्र लैंडर बनाने का, चंद्र लैंडर, क्योंकि नासा 2029 तक अंतरिक्ष में अपने जो यात्री है उसको भेजेंगे, और उसका नाम दिया गया है चंद्र लैंडर, क्या, और यह है ऐसे ही स्पुतनिक भी या ऐसे ही कुछ करके नाम है, कुछ नाम है उसके, ठीक है, मिशन का, ठीक है, ये भी थे, हम याद नहीं आ रहा है। उसके लिए जो लैंडर बनाने का, चंद्र लैंडर बनाने का जिम्मा सौंपा गया है ये ब्लू ओरिजिन को। इससे पहले स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स इसकी कंपनी है, क्या नाम है इसका, सबसे ट्विटर के अभी सीईओ का, ट्विटर को जो खरीद लिए थे, क्या नाम है इसका, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अमीर व्यक्ति है, सुंदर नारायण के पास, सुंदर पिचाई तो गूगल के सीईओ है।
भूल रहे हैं नाम उसका, नाम मुझे याद नहीं आता, मतलब कि नाम इस समय याद नहीं आता, 12 बजे के समय में नींद जब काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। नाम उसका है अभी क्या नाम उसका, अरे आजा नाम आजा, क्या नाम उसका, ट्विटर को खरीद लिया था अभी, एलन मस्क, क्या नाम है, एलन मस्क, उसकी कंपनी है। एलन मस्क ने क्या किया था, स्पेस एक्स ने एलन मस्क को जीवा दिया था बनाने के लिए, तो दोनों के बीच में कंपटीशन चला। और ब्लू ओरिजिन जो है कंपनी है जेफ बेजोस को, उसको ये काम सौंपा गया नासा के द्वारा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा एक प्रधान मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा क्या चलाया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, क्या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, और इसके तहत तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन, मध्य प्रदेश। तीर्थयात्री जो है विदेशी से आते हैं या कहीं से तीर्थयात्री जो तीर्थयात्रा करते जाते हैं, तीर्थस्थल का भ्रमण करते हैं, उसके लिए हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है, देखो दिल क्या है सुने लो उसको, पहला राज्य कौन बना है, मध्य प्रदेश। किसके तहत ये तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा प्रदान किया है, तो सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत। सुशासन नियम पालन करने वाला पहला राज्य बन गया मुंबई, पूरे भारत में सुशासन नियम वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन, मुंबई मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। सुशासन नियम मतलब वहाँ पे जनता का काम और जनता को काफ़ी अच्छे तरीके से सुविधा है और सेवाएं प्रदान की जाएगी, हर काम को समय के अंदर समय रहते करवा दिया जाएगा, सुशासन इसी को कहा जाता है। सुशासन सुव्यवस्थित ढंग से शासन को संचालित करना, इसके लिए अलग अलग तरीके के 160 विभागों का चयन किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सुशासन नियम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, मुंबई। आगे चलते हैं, कर्नाटका के नए सीएम बने हैं कौन, कर्नाटक में हाल फिलहाल में चुनाव हुई है और इसमें बीजेपी को करारे से शक्ति दी है और वहां से कौन जीता है, कांग्रेस पार्टी जीती है, और कांग्रेस पार्टी की ओर से कर्नाटक के नए जो मुख्यमंत्री बन गए हुए सिद्धारमैया, कौन है, सिद्धारमैया, और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, पता होना चाहिए। हाँ। चलो आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को, ठीक है, चाय दिवस। अच्छा, चाय का सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, पता है किसी को, नहीं पता है, लगभग 27,000 या 2700 ईसा, 27,000 होगा ईसा पूर्व, पहले क्या हुआ था कि माना जाता है ऐसा, चीन का एक है सुन नुंग करके वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, तो उन्हीं वही क्या करते, गर्मी के महीने में पेड़ के नीचे बैठ करके गर्म पानी उसमें पी रहे थे, ऊपर से पेड़ का एक पत्ता गिरता है, वही चाय का पत्ती पता नहीं, और वो क्या होता है उसका कलर बदल जाता है, वो पीता है तो उसको स्वादिष्ट लगता है, वही से माना जाता है कि चीन के ही एक शहर है, वहीं से क्या होता है चाय की उत्पत्ति हुई है। कुछ का कहना है कि नहीं, वो जो सुन नुंग था उसका नौकर जो था गर्म पानी खोला रहा था उसके पिलाने के लिए, उसी बीच में क्या हुआ, एक पत्ता गिरता है और क्या होता है कलर चेंज हो जाता है, जब उसको पिलाया जाता है सुन नुंग को तो उसका स्वादिष्ट बहुत अच्छा लगता है, उसी समय से प्रसारित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बने हैं, सुशासन नियम का पहला देश बना है, सॉरी देश का पहला राज्य मुंबई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों का हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस की कंपनी है उसको नासा ने $3.4 बिलियन देकर चंद्र लैंडर बनाने का जिम्मा सौंपा है। सबसेट सारी स्थानीय निकायों का चुनाव स्थानीय निकाय के रूप में चंडीगढ़ को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इटालियन ओपन में क्ले कोर्ट का पहला खिताब डेनिल मेदवेदेव जीता है। शैली सिंह ने जापान में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की एक एथलीट महिला बन गई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76th सेशन जेनेवा में किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इसे संबोधित किया है। उसके बाद महात्मा गांधी छात्रवृत्ति योजना श्रीलंका के 300 छात्रों को दिया गया है। उसके बाद नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग का उद्घाटन गुजरात के देवभूमि में भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है।
तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर कल हम बताएंगे सुबह में सारे चीज़ें।